मुझे बताइए, दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरीके के इकदाम करेगी आने वाले दिनों में, ताकि जो सयाह यहाँ पे आए हैं उनके लिए रुकने का भी इंतज़ाम हो, ताकि यहाँ से और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए। पहली बात यह है कि यहाँ का जो रोड था इसको खुला रखा जाएगा पूरे विंटर्स में, पहले दहल पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। दूसरी चीज़ आज जो हमने ये स्नो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए, इनको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे आप स्नो ट्यूबिंग, स्लेजिंग वगैरह और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ। दूसरी चीज़ आज यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, फ्लैग ऑफ किया डायरेक्ट सामने सिक्किम का, इसके साथ ही स्नो बाइकिंग भी हो रही है और एटीवीज भी स्टार्ट किया हमने, तो ये टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन रहेगा, टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज हो जाएगा इससे, और इंशाल्लाह ये गुलमर्ग के बाद सेकंड अट्रैक्शन रहेगी टूरिस्ट्स के लिए। यहाँ की कनेक्टिविटी का इशू ऑलरेडी डी साहब ने भी और हमने भी हाई लेवल पर लिया, हमें आने वाले दिनों में उम्मीद है कि दैट विल बी रिजॉल्व। और लेकिन विंटर टूरिज्म जो हम डाइवर्स करना चाहते हैं फ्रॉम गुलमर्ग, मुझे लगता है दूध पथरी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद गुलमर्ग सोनमर्ग, तो मुझे लगता है यहाँ तो कंटिन्यूसली खुला रहेगा। Yeah.